हाय बच्चे लोग कैसे हो आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है राहुल जयसवाल एंड मैं इस चैनल को रन कर रहा हूँ लेकिन आपको पता होगा कि इस चैनल पे एक आपके लिए बहुत ही टैलेंटेड मैडम यानी प्रिया मिश्रा मैडम अवेलेबल है तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रहे तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियोज़ को जितना हो सके पूरा देखो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करना ठीक है तो फटाफट से पढ़ाई करते रहो हेलो एवरीवन माय नेम इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जे आर जूनियर सो बच्चा पार्टी आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स का चैप्टर डिवीजन 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 क्या होता है डिवाइड क्या होता है वो पढ़ेंगे वो समझेंगे एंड फटाफट से हम लोग डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे ओके okay? सो so, क्या है डिवाइड करना कैसे हमने शुरू किया मीन्स कि क्यों करते हैं हम डिवाइड उसको सबसे पहले हम जानते हैं ओके सो वीडियो को बिना पॉज किए बिना रुके बिना आगे बढ़ाए पूरा अच्छे से कंटिन्यू देखना है ओके okay? बिल्कुल भी आगे आगे बड़ा बड़ा के भगा भगा के नहीं देखना है ओके okay? सो so, क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं हम सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल से चॉकलेट चॉकलेट तो सबको पसंद होता है सो so, क्या करते हैं कि पता करते कि कैसे डिवाइड हम करते हैं एंड क्यों करते हैं तो देखो दो लड़के हैं एक का नाम है रोहन एंड एक का नाम है सागर ओके okay? एंड उनकी मम्मी है उन्होंने क्या किया उनके पास थे कितने चॉकलेट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उनके पास थे सिक्स चॉकलेट्स एंड उनको क्या करना था इक्वली दोनों को इक्वली देना था ना किसी को एक ज्यादा ना किसी को एक कम तो इसके लिए उन्होंने क्या किया क्या करेंगे वो क्या करेंगे सिक्स चॉकलेट्स को क्या करेंगे डिवाइड करेगी कैसे टू पार्ट्स में क्योंकि दो इंसान को देना है उनके दोनों बच्चों को देना है तो उन्होंने क्या किया दोनों को इक्वली पार्ट में क्या किया डिवाइड कर दिया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया टू से करना था उनको टू पार्ट में डिवाइड करना था उनके दो बच्चे थे तो तो उन्होंने क्या किया वन इसको दिया देन वन इसको दिया फिर वन इसको दिया देन एक और दिया इसको फिर बचा दो फिर दिया इसको एंड फिर दिया इसको तो क्या हो गया दोनों के पास कितने कितने चॉकलेट गए ये तीन चॉकलेट गए इसके पास ये तीन चॉकलेट गए इसके पास दोनों को क्या मिल गया तीन तीन चॉकलेट्स मिल गए अब किसी को एक ज़्यादा भी नहीं मिला और एक कम भी नहीं मिला दोनों को क्या मिला इक्वल इक्वल चॉकलेट मिला तो उसको हमने क्या किया मीन्स कि हमने किया सिक्स को डिवाइड किया टू से क्या किया टू से हमने सिक्स को डिवाइड किया मीन्स कि टू वन जा टू के टू के टेबल में सिक्स कितने टाइम्स में आता है सॉरी टू हाँ टू से क्या किया इसको सिक्स को डिवाइड किया तो कितने कितने बच्चे टू के टेबल में कितने बार में आता है सिक्स थ्री टाइम्स में आता है तो क्या करेंगे थ्री एंड ये आ गया सिक्स जीरो तो हमने क्या किया थ्री एंड थ्री चॉकलेट दोनों को दे दिया दोनों को इक्वली बांट दिया हो गया तो ये है था हमारा फर्स्ट एग्जांपल आई होप आप लोगों को अच्छा हो अच्छे से समझा होगा एंड क्लियर हुआ होगा ओके okay? सो so, अब क्या करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं जो कि सिमिलर है वैसे ही है हमें इसमें भी कैसे डिवाइड कैसे करना है इक्वली वो समझाया गया ओके ओके सो पे हमें फोर गर्ल्स दी हुई है okay? एक का नाम है सुमा एक का नाम है राजू सॉरी लड़के भी है इसमें लड़किया ही नहीं है ओनली सो so, सुमा है राजू है मीना है एंड अंजू है ओके okay? सो so, क्या है कि हमें कितने ग्वावास दिए हुए वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ओके हमें एट गुआवा दिया हुआ है ओके okay? तो एट गुआवा को क्या करना है हमें इन चारों को इक्वली डिवाइड करना है इक्वली देना है ना किसी को एक भी ज्यादा ना आधा ज्यादा ना किसी को एक भी कम ओके okay? सो so, क्या करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे उसको डिवाइड करेंगे कैसे सबको इक्वली पार्ट में देंगे ओके okay? सो so, क्या करते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे हमारा टोटल गुआवा। हमारे पास टोटल गुआवा कितना है एट है तो क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे एट ओके okay? देन क्या करना है हमें सुमा को देना है राजू को देना है मीना को देना है एंड अंजू को देना है तो क्या करेंगे दोनों को कितना कितना देंगे तो इक्वल हो जाएगा इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं डिवाइड का यूज़ करते हैं मीन्स कि डिवीज़न का यूज़ करते हैं ओके सो आप लोगों को जो मैं स्टेप बताऊंगी वो अभी तो नहीं समझेगा बट इसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे एग्जाम्पल्स लेंगे तो उसमें आप लोगों को बहुत इजीली अच्छी तरह से समझ जाएगा ओके okay? सो so, क्या करते हैं हम क्या करेंगे हमारे पास एट गुआवा है एंड हमें क्या करना है सबको इक्वल देना है कितने पर्सन है वन टू थ्री फोर फोर पर्सन को देना है तो हम क्या करेंगे फोर से एट को डिवाइड देंगे एट को डिवाइड देंगे तो कितना बचेगा फोर वन जा फोर फोर टू जा एट टू बार में आता है एट तो ऊपर आ गया टू नीचे एट एंड जीरो तो क्या हो गया ये हमारा कि हमें टू टू गुआवा सबको देना पड़ेगा इक्वली जैसे देखो वन टू ये टू गुआवा किसको दे दिया हमने सुमा को दे दिया टू मिल गया उसको देन वन एंड टू ये टू गुआवा हमने किसको दे दिया राजू को दे दिया तो ये इसके पास भी आ गया टू देन ये ये भी गया ये भी गया अब क्या बचा? वन और टू ये दो गुआवा किसको दे देंगे हम मीना को दे देंगे तो उसके पास भी आ गया टू देन क्या करेंगे वन एंड टू ये दो गुआवा किसको दे देंगे हम अंजू को दे देंगे तो उसके पास भी क्या आ गया टू गुआवा आ गया मीन्स कि हमारे पास जो एट गुआवा थे इससे हमने क्या कर दिया फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया फोर लोगों को इक्वल इक्वल टू टू गुआवा दे दिया इससे कैसे पूरा इक्वल ही गया है ना किसी को भी एक भी ज्यादा या एक भी कम नहीं मिला ना तो इसीलिए क्या करते हैं हम डिवाइड का यूज करते हैं किस लिए करते हैं जो भी चीज हमारे पास रहेगी उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ओके इक्वल इक्वल करने के लिए ओके सो आई होप आप लोग को इतना समझा होगा अब इसके बाद क्या करेंगे इसके बाद हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे ओके okay? सो so, मैं फटाफट -फड़ से एग्जाम्पल्स लिखती हूँ तो ये रहा हमारा थर्ड एग्ज़ाम्पल एंड फोर्थ एग्जाम्पल ओके सो इसमें भी हम क्या करेंगे डिवाइड करना समझेंगे ओके okay? सो so, क्या करते हैं कि पहले देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है हमें लड्डू दिया हुआ है ओके okay? कितने लड्डू दिए हुए हैं पहले हम काउंट करते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्थ हमें कितने लड्डू दिए हुए हैं ट्वेल्व लड्डू दिए हुए हैं एंड क्या बोला है हमें बोला है कि ये चार लोग जो है इनको इक्वल पार्ट्स में इक्वल इक्वल देना है हमें ओके okay? ये जो चार लोग हैं खुशी सागर सोनी एंड मोनू इन चारों को क्या करना है हमें इक्वली देना है ना किसी को एक भी ज्यादा देना है ना एक भी कम देना है चारों को क्या करना है इक्वली देना है ओके okay? सो so क्या करेंगे हम इस ट्वेल्व लड्डू को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे फोर में फोर इक्वल पार्ट्स में तो क्या करना है ट्वेल्व डिवाइडेड बाय फाइव तो डिवाइड करने का क्या स्टेप है तो देखते हैं सबसे पहले डिवाइड करने के ये स्टेप है इसे हम इस तरह से लिखते हैं एंड क्या करते हैं जैसे कि हमें डिवाइड करना है तो फोर से हमें क्या करना है फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है तो क्या करेंगे फोर यहाँ पे लिखेंगे एंड कितने पार्ट्स में कितने लड्डू है कितनी चीजें हैं हमारे पास उसको क्या कर क्या करना है यहाँ पे लिखना है ओके okay? तो ये रहा हमारा क्या है लड्डू है हमारा ये लड्डू है हमारा इसको क्या करना है डिवाइड करना है फोर लोगों को तो ये आ गया इसका नंबर ट्वेल्व आ गया एंड देन ये रहा हमारा फोर फोर लोगों को देना है ना तो फोर से डिवाइड करेंगे अब बताओ कि इसको क्या बोलते हैं ये जो हमने ऊपर में जो नंबर लिखा है उसको बोलते हैं डिवाइडेंट ओके okay? उसको बोलते हैं डिविडेंड एंड ऊपर वाले जो नंबर इसके बाद यहाँ पे जो नंबर लिखते हैं मीन्स कि वो आता है टेबल में कि नहीं आता है वो नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं ओके लास्ट में ये सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आंसर मिलता है उसे बोलते हैं रिमाइंडर और ऊपर में जो मिलता है ये डिवाइड करने के बाद ऊपर जो हमें ये नंबर मिलता है उसको बोलते हैं क्वेश्चन और यहाँ पे जो नंबर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर ओके तो इसको क्या करना है याद करना है अच्छी तरह से याद रखना है ध्यान में रखना है अगर ये आप लोग ध्यान में रखोगे तो आप लोग इजीली जितने भी क्वेश्चन होंगे वो उसको इजीली कर पाओगे ओके सो क्या करता है क्या करना है फटाफट से याद करना है एक और बार समझ लेते हैं जिसके हम जिसको हम डिवाइड देते हैं वो होता है डिवाइड डिविडेंट एंड जिससे हम डिवाइड देते हैं वो क्या होता है डिवाइजर ओके उप नीचे जो आंसर मिलता है वो क्या होता है रिमाइंडर एंड ऊपर जो आंसर मिलता है वो होता है क्वेश्चन ओके सो स्टार्ट करते हैं क्या है हमें लड्डू दिया है ट्वेल्व तो यहां लिख दिया हमने ट्वेल्व उसके बाद कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है फोर तो क्या आएगा यहाँ पे फोर तो फोर के टेबल में ट्वेल्व आता है क्या ये सोचना है हमें सबसे पहले तो हमें टेबल लर्न करना है एटलीस्ट टेंथ तक टेबल लर्न होना चाहिए आप लोगों को ओके okay? सो so, क्या करते हैं कि फटाफट से डिवाइड करते हैं फोर के टेबल में ट्वेल्व आता है क्या यस yes, आता है कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में आता है फोर के टेबल में थ्री टाइम्स में आता है फोर वन जा फोर फोर टू जा एट एंड फोर थ्री जा ट्वेल्व तो यहाँ आ गया ट्वेल्व एंड देन क्या करेंगे हम इसको माइनस करेंगे हमेशा याद रखना है डिवाइड में क्या करते हैं हम नंबर्स को माइनस करते हैं ओके okay? क्या करते हैं नंबर्स को माइनस करते हैं तो ट्वेल्व में से जो जितने टाइम्स में आया वो क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा ओके फोर 3 आर ट्वेल्व तो ऊपर क्या आ गया थ्री एंड नीचे क्या आ गया यहाँ पे ट्वेल्व अब क्या करेंगे ट्वेल्व में से ट्वेल्व को माइनस कर देंगे माइनस तो आप लोगों को आता ही होगा तो ये रहा टू में से टू गया तो जीरो एंड वन में से वन गया तो जीरो तो क्या आ गया रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर क्या आ गया रिमाइंडर आ गया जीरो एंड क्वेश्चन क्या आ गया थ्री ओके okay? समझ में आ गया इसका मतलब है कि हमें इन चारों को क्या करना है थ्री थ्री लड्डू देंगे हम इन चारों को थ्री थ्री एंड थ्री एंड थ्री एंड थ्री, 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 थ्री. थ्री थ्री लड्डू अगर देंगे तो वो क्या हो जाएगा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ओके देन ये क्वेश्चन आप लोगों को समझा होगा आई होप आप लोगों को अच्छे से समझा होगा ओके सो so, अब क्या हैं? करते हैं हम सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसमें भी सेम मेथड किसको क्या बोलते हैं ये आप लोगों को अच्छी तरह से अपने नोटबुक में लिख के रखना है ओके एंड लिख लोगे आप लोग एक बार तो जब भी आप लोगों को समझ में ना आए तो उसको देखोगे तो वापस से याद आ जाएगा ओके तो उसके बाद हमें क्या दिया हुआ है हमें ये फ्लावर्स दिए हुए हैं इतने सारे ओके okay? एंड उसको क्या बोला है हमें फाइव चिल्ड्रन्स में फाइव चिल्ड्रन्स में क्या करना है डिवाइड करना है ओके okay? तो हम सबसे पहले क्या करेंगे फ्लावर्स को काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हमारे पास कितने फ्लावर्स हैं 15 ओके okay? और हमें क्या करना है ये फिफ्टीन फ्लावर्स को क्या करना है फाइव चिल्ड्रंस को देना है इक्वल इक्वल पार्ट्स में मीन कि सबको सेम सेम ही देना है ओके okay? तो क्या करेंगे हम फाइव से फिफ्टीन को क्या करेंगे डिवाइड देंगे ओके okay? तो यहां लिख दिया हमने चलो मैं पोच के लिख देती हूँ आप लोगों को यहां आ जाएगा क्या फाइव क्योंकि हम फाइव चिल्ड्रंस को देंगे क्या देंगे कितने फ्लावर्स है हमारे पास टोटल है फिफ्टीन ओके okay? और क्या करना है हमें फाइव को इक्वली डिवाइड करना है मीन्स कि फाइव से हमें डिवाइड देना है फिफ्टीन को ओके okay? तो क्या करेंगे फाइव के टेबल में फिफ्टीन आता है क्या ऐसा हम काउंट करेंगे ओके okay? क्या आता है फाइव का टेबल आप लोग पढ़ो क्या कितने टाइम्स में आता है थ्री टाइम्स में तो यहाँ क्या आ जाएगा थ्री आ जाएगा मीन्स कि ये हो गया हमारा क्वेश्चन ओके okay? आप लोग लिख लेना यहाँ पे क्वेश्चन देन ये फाइव से हमने क्या किया फ़िफ्टीन को डिवाइड दिया कितने टाइम्स में आया थ्री टाइम्स में क्या आया फिफ्टीन आया तो यहाँ पे आ गया फिफ्टीन अब क्या करेंगे फिफ्टीन में से फिफ्टीन को क्या करना है माइनस करना है ओके okay? तो क्या आ जाएगा ज़ीरो तो हमारा रिमाइंडर क्या मिल गया ज़ीरो मिल गया एंड हमें क्या समझ में आया कि हम थ्री थ्री से क्या करेंगे थ्री थ्री इन सारे को सा, जितने भी फाइव चिल्ड्रन्स हैं इन सारे को क्या करेंगे थ्री थ्री फ्लावर्स देंगे तो क्या हो जाएगा वो उनको इक्वली चार जितने भी पाँचों लोग हैं पाँच बच्चे हैं उन पाँचों को क्या मिल जाएगा इक्वली मिलेगा ओके okay? समझ में आ गया होगा आप लोगों को और एग्जाम्पल्स लेंगे एंड आगे आगे सीखेंगे ओके okay? तो आई होप आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझे होंगे एंड अगर आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझे अच्छी तरह से आगे हम और भी क्वेश्चन करेंगे एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करो और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो